रियल एस्टेट में दो तरह के खरीदार होते हैं। पहले खरीदार वो होते हैं जो घर रहने के लिए खरीदते हैं। इनके लिए घर की कीमत बहुत मायने रखती है, क्योंकि अपनी आमदनी में किसी तरह इनके घर का सपना पूरा होता है। दूसरे खरीदार वो होते हैं जिनको रहने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए घर खरीदना होता है। इनको रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशक कहा जाता है। इनका मकसद कम कीमत पर घर को खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेचना होता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ग्राहक मंदी की वजह से अपने घर खरीदने का फैसला टाल सकते हैं, लेकिन निवेशक सही मौके पर चौका मारता है और किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जाने नहीं देता। निवेशकों की इसी पसंद को ध्यान में रखकर बिल्डर घर बना रहे हैं। क्योंकि इस कीमत पर फ्लैट लेना आम आदमी के बूते की बात नहीं है, मुंबई में बिल्डरों में जमीन खरीदने की होड़ मची हुई है, जिस वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। एक मध्यम वर्गीय आदमी 10 लाख का फ्लैट बामुश्किल खरीद पाता है, तो 25 लाख या उससे ज्यादा का फ्लैट कहां से खरीदेगा। लेकिन मुनाफे की दुनिया में आम आदमी के सपनों से किसी को कोई सरोकार नहीं। जसनीत सिद्धू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। और हरिंदर ढिल्लन इस वक्त हमारे साथ है, रहेजा डेवलपर सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है। ढिल्लन साहब, ये सवाल आपसे जरूर बनता है कि आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है दिमाग में जब आप प्रमोट करते हैं घरों को? क्या टारगेट ऑडियंस जो होते हैं या फिर जो टारगेट होता है आपका, वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एंड यूजर्स जिसका जिक्र आप कर रहे थे? देखिए, रहेजा डेवलपर्स में हमारा हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम एंड यूजर्स को ही अपार्टमेंट्स दें, और हमारे तो यहाँ पे गाइडलाइंस ये हैं कि एक परिवार का सिर्फ एक ही फ्लैट होगा। यानी कि हमने इतनी जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टर्स को, ज्यादातर मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह रहेजा डेवलपर्स, हो सकता है उसकी सोच वैसी ना हो, लेकिन ओवरऑल जो अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखें, आपको लगता है ये सोच है पैसा बनाने की कोशिश की जाती है दोनों तरफ से, और जो इकोनॉमिकल फ्लैट्स की बात की जाती है उस तरह के ऑप्शंस थोड़े कम हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? इकोनॉमिकल फ्लैट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बहुत बड़ा चलन शुरू हुआ था जब रिसेशन का दौर आया था, और रिसेशन के दौर में 10 लाख से लेके 25-30 लाख के जो वर्ग है, जो वो वाला एक ग्रुप है, उसके अंदर काफी अच्छी खासी हाउसिंग आई थी, खास तौर पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में, जहाँ पे आप छोटे छोटे यूनिट्स बना सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको अनुमति दे रखी है 400 स्क्वायर फुट के भी, 500, 600, 700 स्क्वायर फुट तक के भी। लेकिन गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे एक एवरेज यूनिट 1800 से लेके 2000 वर्ग फुट का ही एवरेज होगा, वहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि एक नियरली इम्पॉसिबल है 35 लाख या 32 लाख से नीचे का एक घर देना। अगर सरकार वहाँ की अनुमति दे देती है छोटे मकान बनाने के लिए, तो आज की डेट में गुड़गांव के भी डेवलपर या दिल्ली के भी डेवलपर और बाकी जगहों के भी डेवलपर छोटे मकान दे के एक्चुअली जो मिडिल क्लास को रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। ये चलन था उस दौर में जब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया था अफोर्डेबल। जी ढिल्लन साहब, ये अपना तर्क है कि मजबूरी है क्योंकि इतने से कम में नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोई ना कोई विकल्प जरूर शायद तलाशना होगा। आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ ढिल्लन साहब। दिल्ली आजकल ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन जब से दिल्ली में सर्कल रेट बढ़े हैं ग्राहकों ने NCR का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में फरीदाबाद एक अच्छे ऑप्शन की तरह सामने आया, लेकिन अब फरीदाबाद में भी प्रॉपर्टी सर्विस टैक्स वसूला जा रहा है, जिस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल देखा गया है। हर किसी का सपना होता है कि दिल्ली के पॉश इलाके में छोटा सा घर हो, लेकिन प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों और सर्कल रेट में हुई बढ़ोतरी ने दिल्ली में घर खरीदना लगभग नामुमकिन कर दिया है। ऐसे में लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं और NCR का रुख कर रहे हैं। NCR में लोगों की पहली पसंद नोएडा और गुड़गांव है, लेकिन यहाँ पर भी घर की कीमत आसमान से ऊंची हो चुकी है।
इसलिए लोगों की पहली पसंद फरीदाबाद बनता जा रहा है। दूसरे शहरों की तुलना में फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के दाम कम हैं, लेकिन अब फरीदाबाद में घर के सपने को साकार करने के लिए ग्राहक को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि सरकार ने लगा दिया है प्रॉपर्टी सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स 1 जुलाई से लागू हो चुका है। अब यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना पहले से महंगा हो गया है। मान लीजिए आपने 1 लाख का प्लॉट खरीदा, 1 लाख का 25% हुआ 25,000 रुपए, 25,000 का 10.3% हुआ 2,575 रुपए। प्रॉपर्टी सर्विस टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज मिलाकर कुल टैक्स बैठता है 4,635 रुपए, यानी हर 1 लाख पर आपको 4,635 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस कर के लागू होने से फ्लैट की कीमतों में तकरीबन 5% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों से प्रॉपर्टी डीलर नाखुश हैं। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम के बाद ग्राहक रियल एस्टेट सेक्टर से दूरी बनाएंगे और फरीदाबाद का प्रॉपर्टी बाजार घाटे में जाएगा। जानकारों का कहना है कि फरीदाबाद प्रॉपर्टी के लिए बेहतर विकल्प की तरह उभरा है, लेकिन अगर सरकार ने टैक्स की मार से ग्राहकों को परेशान किया तो यहाँ का कारोबार प्रभावित होगा। डिलन साहब, फरीदाबाद में किस तरह के आप ऑप्शंस देखते हैं? फरीदाबाद एक बहुत अच्छा विकल्प है, खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में। यहाँ पे अभी भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंजेस हैं, 1800 से लेके 2500 के बीच में, 1800 रुपए स्क्वायर फुट से लेके 2500 रुपए स्क्वायर फुट के अंदर अभी भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ फरीदाबाद का काफी अच्छा हो रहा है। बदरपुर फ्लाईओवर बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है, फिर मेट्रो भी अब फरीदाबाद में आ रही है, बाईपास जो रोड है वो अच्छी डेवलप हो रही है, उसके बाद जो आपका जो नहर पार का एरिया, जो आगरा कनाल क्रॉस का एरिया है, जहाँ पे बीपीटीपी ने बहुत बड़ी टाउनशिप बनाई है, ओमैक्स ने बनाई है, और भी बहुत सारे डेवलपर्स बना रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है। और अफोर्डेबिलिटी के एंगल से और आगे की आने वाले समय के अंदर जिस रफ्तार से कीमतों में वृद्धि होगी, अगर उस तरीके की बात सोची जाए, प्योर इन्वेस्टमेंट के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रहने के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, तो फरीदाबाद एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, आप देख रही हमारी खास पेशकश। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन कुछ डाउट्स हैं, असमंजस की स्थिति में हैं, पता नहीं चल रहा कि कहां से खरीदे जमीन और कहां होगा मुनाफा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आसपास नजर डालने से आपको पता चल जाएगा कि आखिर कहां चल रहा है प्रॉपर्टी का मेला। इस मेले से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि मेले में मौजूद डेवलपर्स और कंपनियां आपके लिए लाती हैं फायदे के सौदे। तो प्रॉपर्टी मेला जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे का सौदा है, पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है, लोन की भी सुविधा, सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रहेजा डेवलपर्स के सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट हरिंदर ढिल्लन हमारे साथ थे। ढिल्लन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अहम पहलुओं पर रोशनी डाली, और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनके मन में जितने भी डाउट्स होंगे शायद वो अब क्लियर हो चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए CNBC।